मेरा पावर है वो आपके लिए है, आपके गरीबों तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। कहीं जुर्म जाके अत्याचार होता है तो हम लोगों को बताओ और थाने पर जाकर के बताओ दरोगा से। हम तो आपसे कह रहा हूं, अब तो हम आप शोले फिल्म देखते हो? अच्छा कितने लोग शोले फिल्म देखते हो जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था है ना, तो गब्बर समझ लो। वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। और क्या था हीरो, क्या होता है हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था, खलनायक उसको कहेंगे? कम से कम सवाल नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है नहीं आता है? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई गरीबों के, कमजोर लोगों के, शोषितों वंचितों के ऊपर, उससे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है। तो उस सरकार के साथ खड़े हैं तो क्या दिक्कत है? गब्बर सरकार एमएलसी की एक सीट आप लड़ने की बात कह रहे हैं सर, पीला झंडा पार्टी को, कैंडिडेट चार लोगों का नाम जाएगा दिल्ली, दिल्ली से जो तय होगा। थाने में थाने एक सीट, एक कार्यकर्ताओं को थाने में पीला झंडा लेकर जाने की बात कर रहे हैं, लोगों को मानी नहीं पड़ेगी। सवाल करने से पहले सुना करो, बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है, आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा। और आप उसको झंडा बता रहे हो, नहीं आप उसको झंडा बता रहे हो, क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? ये हम तो लगा के चल रहे मनमानी कर रहे हैं, लाखों लोगों को हम समाज में जीने जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए, क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पे पूछो। जी मंत्री जी, आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ाने की बात कर रहे हैं, 25 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एनडीए से जो गठबंधन हुआ है सर, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए भी हुआ है या? अरे भाई देखो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप बताओ, उनसे कहें कि नहीं अब आगे कुछ नहीं होगा, अब उसको आप दूसरे वे पर सोचो। जनता को मैसेज भी देना अपने कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा, वो लड़ाई के जंग में कैसे खड़ा होगा? अब आप लोग इसी नाते देखो, जो हम लोग फ्री हैं तो उधर से सवाल दे दिए जाते हैं कुछ साथियों को, तो हुआ करके बिना वजह का सवाल। देखो ओम प्रकाश राजभर आपकी भी लड़ाई लड़ता है लेकिन कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन आप उसको सवाल नहीं बना सकते कि पत्रकार आयोग का गठन नेताजी आप बोलते हो कब उसको लागू कराओगे, ये सवाल नहीं कर सकते हमसे। दुर्घटना बीमा, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का सवाल नहीं कर सकते हो, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया तो सवाल जरूर करोगे आप। लेकिन अखिलेश यादव से ये सवाल नहीं कर सकते कि पिछड़ों का हक क्यों लूटा, मुसलमानों को क्यों धोखा दिया, दलितों का हिस्सा क्यों लूटा, ये नहीं पूछोगे?